नागपुर विधायक कृष्णाजी खोपड़े के मार्गदर्शन में कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मेट्रो रीच के उद्घाटन में इनॉग्रल ट्रेन में सफर किया। सर्वप्रथम मेट्रो के अधिकारियों ने सभी का गुलाब के फूल देकर सम्मानित किया। माजी मेट्रो के पीआरओ सुनील तिवारी ने पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से संभाली। प्रजापति चौक स्टेशन से सीताबर्डी और वापस प्रजापति चौक स्टेशन तक सफर किया। सभी लोग ट्रेन में वंदे मातरम भारत माता की जय के साथ साथ मोदी मोदी के नारे लगाते रहे। इस मेट्रो ट्रेन के चालू होने से पूर्व नागपुर के लोगों को काफी सुविधा मिल जाएगी। इस उद्घाटन कार्यक्रम में भाजपा मीडिया प्रमुख व सामाजिक कार्यकर्ता मनोज अग्रवाल, असिस्टेंट डायरेक्टर आयुष मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर मिलन सूर्यवंशी, पूर्व नगर सेवक हितेश जोशी, राजेश सिंदल, अशोक सावरकर, मनोहर चिकटे, सुनील अग्रवाल, सुनील गोयल, डॉक्टर राकेश केडलवार, इंद्रजीत वासनिक, अशोक हाड़ा, हेमंत हाड़ा, दीपेन जोशी, नंद कुमार सोनी, लखन श्रीवास, ललित लिम्बाचिया, डॉक्टर शेखर नंबूरी, डॉक्टर प्रशांत शिंदे, डॉक्टर सुनीता मिगलानी, साजिद शेख, निलेश सोनी, अशोक बम, राजेश अग्रवाल, आहिश गुलाटी ने सफर तय किया। इस कार्यक्रम में कई सामाजिक संगठन, स्कूल, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स व अन्य स्टाफ आदि सम्मिलित थे। बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।